हैशटैग मनीषा रानी सिला की जवानी कर देती सबको पानी पानी. फिलहाल तो अभी यार सब मुझे मैसेज करते बहुत ज्यादा. पहली डेट पर मनीषा रानी कहाँ जाना चाहेंगे? अगर आपको कभी हमारे लिए कुछ खाना पकवान बनाना पड़े तो क्या बनाएंगे? सबसे बड़ा मनीषा रानी का डर क्या है? डर कि जो नाम मुझे अभी मिला है. Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me, Arshi Siddiqui, and that's your favorite Manisha Rani with us. And this is 1 minute with Manisha. So this is 1 minute with Manisha Rani. And Manisha, you have to be very quick since 1 minute में हमारा ये game segment खत्म हो रहा है. Okay, okay. तो पहली बात तो ये है कि is Manisha Rani single? Yes, 100%. पहली date पर Manisha Rani कहाँ जाना चाहेंगे? Paris. Oh wow. Manisha Rani का phone number क्या हमें पता चल सकता है? बिल्कुल नहीं. ऑलरेडी बहुत कॉल आ रहे हैं तो अभी दे देंगे तो बवाल हो जाएगा फिर. ऑलराइट मनीषा, हाउ मेनी टैटूज डू यू हैव? 2. ओके, अगर आपको कभी हमारे लिए कुछ खाना पकवान बनाना पड़े तो क्या बनाएंगे? मेरा एक फेवरेट डिश है कट ब्रेड को दही बारा, जो वो ऐसा है कि मैंने ही लॉन्च किया, मेरी माँ ने सिखाया था. wow. तो वो बहुत कम लोगों को पता है, तो वो बना के खिलाएंगे. अच्छा, आपका फेवरेट को-स्टार? को स्टार कोई साथ में जिसके साथ आपने अभी तक काम किया, आपका कोई फेवरेट पसंदीदा एक्टर? किया है यार, किया तो ऐसे इतना खास किसी के साथ किया नहीं. अच्छा, किसके साथ करना चाहते ये भरे पूछ रहे हैं. किसके साथ करना चाहते? कार्तिक आर्यन. ओहो, कार्तिक आर्यन इज लिसनिंग आई थिंक. अच्छा, सबसे ज्यादा मैसेज किसको करती है व्हाट्सएप पे? हम हाँ. फिलहाल तो अभी यार सब मुझे मैसेज करते बहुत ज्यादा. हम बहुत कम कर रहे हैं अभी. wow. और मुझे ना मैसेज करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं, तो मेरे को किसी से बात करना डायरेक्ट कॉल लगा लेते हैं. ये भी सही है. आई एम नॉट अ मैसेज पर्सन, आई एम अ कॉल पर्सन. वाओ. मनीषा रानी अपने पार्टनर में क्या देखना चाहती है? 1 क्वालिटी जिसके अंदर बहुत ज्यादा काइंडनेस हो, बहुत दयालु हो, दिल का बहुत बड़ा. सबसे बड़ा मनीषा रानी का डर क्या है? डर कि जो नाम मुझे अभी मिला है, नाम भी इतना ज्यादा नहीं, जो मेरा जो मैंने फैंस जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और पॉजिटिव वे में करते हैं. एक होता है कि आप फेमस हो जाते हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक स्टार है बट विथ जीरो हेटर्स. तो मुझे ना वही है कि लोग मुझे पसंद करें बट हमेशा दिल से पसंद करें. ऐसा नहीं कि कभी हम फेमस हो गए लेकिन किसी भी तरह, जैसे लोग अभी मुझे प्यार कर रहे हैं एकदम दिल से, फैमिली की तरह, ये मनीषा बहुत अच्छी है. तो ये अच्छी वाला मेरे को हमेशा मेंटेन करके चलना है कि मतलब मेरा ऐसा कि हम गलती से भी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा ना करें जिससे मेरे फैंस का जो प्यार हम कमाएं वो खत्म ना हो जाए. बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा बिकॉज यू आर सो जेनरस. आई कैन सी दैट. ऐसा कभी हम खुद कुछ ऐसा ना करें कि ऐसा कभी कुछ हो. अच्छा, एक चीज जो आप अपने बारे में चेंज करना चाहती है, एक आदत अपनी? आदत हम ना सब पे यकीन कर लेते हैं और बहुत जल्दी फैमिलियर बन जाते हैं सबके साथ जी. तो जिसमें हमको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, सबके साथ ऐसे तुरंत घुल मिल जैसे जाते, थोड़ा कहीं कहीं समझना पड़ेगा चीजों को. बिल्कुल. और एक चीज जो आप इंडस्ट्री के बारे में चेंज करना चाहती हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म पे आप इतनी फेमस है ऑलरेडी सोशल मीडिया, उसके बारे में चेंज करना चाहेंगी तो वो क्या होगी? मुझे लगता है कभी कभी नंबर ऑफ फॉलोअर्स उनको भी मिल जाते हैं सोशल मीडिया में, जिसमें इतना ज्यादा बात नहीं होता. मतलब कुछ ऐसे ही कभी कोई ज्यादा समझ रहे हैं, कभी कुछ छोटे कपड़े में कोई वीडियो बना लिया या फिर कभी कुछ वल्गर बना लिया, तो उसके ज्यादा फॉलोवर्स हो जाते हैं. बट मुझे लगता है कि ऐसा कोई कैटेगरी होना चाहिए जिसमें जो टैलेंटेड बंदे हैं वो डिजर्व करते हैं ज्यादा फेमस होना या फिर उनके नंबर ऑफ फॉलोवर्स ज्यादा होने चाहिए. मतलब लोग या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि जो बच्चे पे इफेक्ट ना पड़े, समझ रहे हैं कि कुछ भी ऐसे वीडियोस, कभी गाली गलो गाली अब्यूजिंग वीडियोस भी कभी कभी आजकल आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे कपड़ों के वीडियोस, जो शायद ऐसा कुछ हो जाना चाहिए कि जो 18 प्लस ही इसको देख सकते हैं ताकि बच्चों पे कुछ ऐसा गलत इफेक्ट ना पड़े. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दैट वाज 1 मिनट विद मनीषा. मनीषा आपने बहुत कमाल का जवाब दिया है, मजा आ गया. यू वर एब्सोल्युटली अमेजिंग. हैशटैग मनीषा मनीषा रानी सिला की जवानी कर देती सबको पानी पानी. थैंक यू. यू आर मोस्ट वेलकम.